सत श्री अकाल सारे किसानों, मैं गुरदीप सिंह। तो अज की यह वीडियो है किसानों वास्ते, कॉटन की फसल के वास्ते। तुसी कॉटन की लगी हुई फसल देख रहे हो, तो 73 वरायटी है ये। थोड़ी जी डिस्टेंस घट होण करके फाल घट चक्या, तो इस वरायटी ने नहीं तो इस टाइम यह वरायटी बहुत वधिया फाल चकती है, फुल बनाउंदी है इस टाइम बहुत वधिया। परंतु हुण मेन समस्या आप फील्ड दे विच रहने की आ रही है, समस्या आ रही खुराकी तत्तां दी, ते एक फंगस दी। ज़्यादा प्लांट दे विच फंगस हो रही है, तुसी देख रहे हो इस तरीके दी एंगुलर लीफ स्पॉट ज़्यादा देखण नूं मिल रहा है। ते नरमे तुसी कंडीशन हाइट वगैरह कुछ देख सकते हो बहुत वधिया, पर हुण जिहड़े तकड़े नरमे है वधिया नरमे है इस तरीके नरमे वो तां फंगस दी अटैक झल जाते हैं, पर जिहड़े कमज़ोर नरमे है पहलां तो ही कमज़ोर जिहड़ियां जमीनां है उत्थे नरमे लगे है वो कमज़ोर हो गए, कमज़ोर उत्पन्न होए पौधे उत्थे। हुण किसानां नूं सलाह देना चाहुंदा है भी तुसीं ज़्यादा तो ज़्यादा खुराक दो, जिन्नी खुराक दोगे तुसीं उन्ना ही फायदा है, क्योंकि यह बीटी कॉटन है जिहड़ा अमेरिकन गां हुंदी है जिहड़ी उस तरीके की चीज़ है, तो यह खुराक बहुत ज़्यादा मंगता है। पहला जो हाल घड़ी दे विच यह नरमा स्टार्टिंग दे विच आया सी उदों 12-12 क्वांटल उस तो उत्पादन हुंदी सी, इहदी 12 तो 13-14 तिकर उस तो उत्पादन इस नरमे की उठ जाती सी, पर अज कल दे टाइम दे विच नरमा तकड़े तो तकड़ा वह 7 क्वांटल 8 क्वांटल तक हाथ मारद, जिहड़ियां जमीनां बदलियां हुई हैं वधिया जिथे क्रॉप प्रैक्टिस हो रही है, IPM दे मैथड जिथे लागू है, जिहड़े समझदार किसान है बदल बदल क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, वधिया खादा पा रहे हैं, सही तरीके मैनेजमेंट के तरीके खेती सुधार रहे हैं, आपदी कर रहे हैं, उत्पादन वह 6-7 क्वांटल 8 क्वांटल 10 क्वांटल तक कर ले रहे हैं। बाकी जिहड़े हर बारी नरमा बीजते हैं किसान वह की है 3-4 क्वांटल के नेड़े ही रह जाते हैं, इस करके किसानों सलाह देना चाहुंदा है इस टाइम के ज़्यादा इनसैक्टा का अटैक है नहीं गा, आपां फील्ड दे विच रहने हैं, तुसीं सिर्फ दलाल घोल दे उत्ते ही निर्भर रहो, खुराकी तत्तां दे उत्ते निर्भर रहो। किसी किसान कोले ज़्यादा जमीन है तां ओह बाज़ार तो लिया के NPK वगैरह दा स्प्रे कर सकदा है, NPK स्प्रे करो तुसीं बाज़ार तो लिया के कोई दिक्कत नहीं, पर खर्चा घटाउण वास्ते आपां दलाल घोल दे बारे तुहानूं दस रहे हैं, बहुत वधिया चीज़ है। आ देख रहे हो तुसीं फंगस दा अटैक है नरमे दे विच, ते नॉन BT दे प्लांट भी तुसी देख रहे हो, यह रोगों का घर हुंदा है, इहनू भी पट के सुट देना चाहिए है। जिहड़े ये नॉन BT तुहानू दिखदे है एक की आ रही है भी जिहड़े प्लांट उगे नहीं उत्थे किसानों ने की दुबारे चोभे लाए सी, उत्थे भी यह प्लांट नॉन BT वर्गे ही दिखाई दे रहे हैं, पर नॉन BT जिहड़ा प्लांट है प्लांट कित्थे होवे वह जिहड़ा BT प्लांट तो छोटा दिखूगा, तो वह तो ज़्यादा अटैक होया दिखूगा, तो उसनू तुसीं पट देना, क्योंकि किसानों अपने फील्ड के पता ही होंदा है भी अपना किहड़े नरमे दे विच चोभिया होया नरमा बी लाया होया, उस तरीके नाल देख के तुसीं नॉन BT प्लांट नूं आपदे खेत दे विचों रिमूव करके दब देना या बाहर सिट देना दूर, तो आपदे नरमे की फसल दे पूरी कंडीशन का ध्यान रखना है। नरमे दे उत्ते हुण फंगस दा भी अटैक है, फंगीसाइड की स्प्रे करनी है, फंगीसाइड के थां तुसीं अगर लस्सी है थोड़े कोल महीना 2 महीने पुरानी वह भी लीटर दे विच 4-5 ml की डोज पा के कर सकते हो, क्योंकि फंगीसाइड के अनुसार ही काम करती है लस्सी नाले, फंगीसाइड इनसैक्टीसाइड का भी काम करूगी। तो साथियों आह मेरी बेनतियां जरूर कबूल कर लियो, आपां फील्ड दे विच हमेशा रहने हैं तो करके इन्नियां गल्लां सानूं जानकारी हैगी है, बाकी अध्ययन भी करते नवे लेटेस्ट जिहड़े भी कॉम्बीनेशन आउंदे थानू हर टाइम इंस्टा ते हर टाइम असी पाउंदे रहने, जो भी कोई इनसैक्टीसाइड बैन हुंदा उहदा भी दसदे रहने हैं, हुणी हुणी पंजाब दे विच 21 इनसैक्टीसाइड बंद होए है, वह भी आपां लिस्ट बना के आपदे इंस्टा पेज दे उत्ते पा दित्ती सी, जिहड़े भी समझदार किसान सी उन्होंने देखिया, क्योंकि बैन क्यों हुंदे आ भई कोई चीज़ दे विच कमी हुंदी है तां ही बैन हुंदे आ, तां आपां नूं उन्हां चीज़ां दा ध्यान रखना चाहिए, बैन जिहड़े होए होए है वह नहीं करने चाहिए। बहुत बारी बैन इनसैक्टीसाइड के नाम दस चुके हैं, तुसीं गूगल के उत्तों बैन इनसैक्टीसाइड लिख के लिस्टां देख सकते हो, क्योंकि हर टाइम मैं
बैन इनसैक्टीसाइड की वीडियो नहीं बना सकता। इस दे लई आपां एक बुक लिखण की कोशिश करांगे, जारी है कोशिश। बुक अपनी आजूगी अगले सीजन तक। कॉम्बीनेशन जिहड़े बिठा रहे हैं आपां देख रहे हैं, हर थां जिथों सानूं जानकारी मिल रही है, जिथों देसी अनुभव मिल रहे हैं, जिथों भी कोई चीज़ मिल रही है वो कलैक्ट करके थोनों सही परीक्षण करके सही तरीके दी चीज़ां असीं थोनों लिया के देवांगे। थोड़ा जिहा खुराकी तत्तां दा ध्यान रखना चाहिए। आह तुसीं गुड्डी देख रहे हो, आह खुराक की कमी है स्पष्ट नज़र आ रही है प्लांट ते, तो यह चीज़ां तुसीं ध्यान रखना। क्यों नाइट्रोजन की तो हुण कमी महसूस नहीं होंदी बहुत, होर भी तत् जिहड़े बहुत होंदे आ, मैगनीशियम होंदा है, बरोन होंदा है, जिंक होंदा है, पोटास होंदा है, इन्हां दी आपां नूं कमी महसूस हो रही है। जिहड़ा पोटास है उहनूं अड तो करना चाहिए क्योंकि हैवी मैटल है, हैवी स्प्रे है, इहदी हैवी चीज़ है, थोड़ा जिहा हैवी होंदा है, उहनूं तरीके नाल थोड़ा जिहा करना चाहिए, सही डोज के अनुसार उहनूं करना चाहिए, अलग तो उहनूं करना चाहिए, उहदा यूज लास्ट तक ही कर सकते हैं आपां। होर भी कोई किसान नूं किसी प्रकार की जानकारी चाहिए होवे तां कमेंट करके सानूं पुछ सकदा है, पर ज़्यादा किसान साथी की है कॉल दे उत्ते सोचते भी कॉल करिए तो 5 मिनट का अपना काम। वीडियो पूरी देखा करो, कॉल ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होंगी क्योंकि असी वीडियो थोड़े वास्ते ही बनाने हैं, पर कॉल दे उत्ते असी हर बंदे दा रिप्लाई नहीं दे सकते। प्लीज़ तुसी इन्नियां कॉलां ना करिया करो, नहीं तो लास्ट दे विच हो के की होना पऊ, सानूं नंबर उत्थों हटाउणा पऊगा। तां क्योंकि वीडियो थोड़े वास्ते असीं ध्यान कर रहे हैं, तुहानूं दस रहे हैं, थोड़ा वीडियो नूं गौर नाल देख लिया करो, हर चीज़ वीडियो दे विच आपां दर्शाई हुंदी है। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपां अगली वीडियो दे विच, आपां एवें बने रहांगे थोड़े नाल।